उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 साल बाद मरी हुई पत्नी प्रकट हुई तो झूठे मुकदमे की साजिश से पर्दा उठ गया। जिस पत्नी की हत्या व अपहरण के आरोप में पति, सास और परिवार के लोगों ने जेल काटी, वह जिंदा निकली है। एक बार फिर सवालों के घेरे में यूपी पुलिस आ गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शराब बरामदगी के नाम पर व्यापारी को फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में आईपीएस अफसर सहित 30 पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की गाज गिरने के बाद भी यूपी पुलिस के कारनामे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, जहां जिस पत्नी के अपहरण के आरोप में उसके पति को 10 साल की सजा हुई है और जिस अपहरण व हत्या मामले में 13 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहा है, वह महिला यानी उसकी पत्नी अपनी बहन के घर सुरक्षित मिली है। पत्नी के घर वालों ने पति, सास और देवर के ऊपर फर्जी अपहरण का मुकदमा लिखाया तो पुलिस ने भी खाना पूर्ति कर बिना सही जांच के निर्दोषों को दोषी बनाकर कोर्ट में दाखिल कर दिया था। आरोप पत्र आने के बाद न्यायालय में शुरू हुआ मुकदमा का ट्रायल और 2017 में पत्नी के अपहरण व दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को कोर्ट ने 10 साल की कारावास की सजा सुनाई थी व 17,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। महिला की बरामदगी होने के बाद पुलिस अब फिर से हर पहलू की जांच करने की बात कह रही है, लेकिन अगर पुलिस ने विवेचना सही की होती तो पत्नी को 11 माह की जेल नहीं काटनी पड़ती, वहीं निर्दोष होते हुए भी 10 साल की सजा नहीं सुनाई गई होती। बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र के जमापुर गांव निवासी कंधई का विवाह 2006 में इसी गांव में निवासी रामवती के साथ हुआ था। बताया जाता है कि 2009 में रामवती ससुराल से लापता हो गई थी। मायके वालों ने कोर्ट की शरण लेकर पति समेत 4 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2017 में पति को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। पति जेल में बंद रहा। सजा के बाद कंधई ने हाई कोर्ट में अपील कराई, जिससे कुछ माह बाद उसको जमानत मिल गई। बताया जाता है कि बीते गुरुवार को 12 साल से लापता पत्नी रामवती अब अपने बहन के यहाँ आने की सूचना मिली है। शोर मचते ही पूरा गांव एकत्र हो गया। सूचना पुलिस को दी गई। रामगांव थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा गया और वहां महिला मौजूद मिली। सुरक्षा के मद्देनजर महिला सिपाहियों की मौजूदगी में महिला को लेकर कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। आगे नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आप बीती सुनाते हुए कन्हैया ने कहा कि उसने अपनी पत्नी के मायके वालों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर लिखित तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने ना तो उसके मामले में सही विवेचना की और ना ही उनकी तहरीर के आधार पर कोई मुकदमा पंजीकृत किया। ऐसे में अब पीड़ित कंधई ने दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। विराट 24 न्यूज के लिए बहराई से शाहनवाज खान की रिपोर्ट। कहाँ रहा या? थाना रामगढ़। अच्छा, क्या कुछ हुआ है मामला आपके साथ? आपने एक मामले में जेल भी काटी है, क्या कुछ पूरा मामला बताइए। हमारे साथ ही मुझे गांव ही के छंगा की लड़के के साथ शादी हुई। उसका लड़की का नाम है रामावती। रामावती साहब की शादी हुई 2007 में। उसके बाद तीसरे में गौना आया। गौना आने के बाद उन्होंने जब भेजा तो लड़के से कहा कि अपने पति से आप पैसा ले लो तो हम अपने पैसा इकट्ठा करके कुछ तुमको खेत फेर देंगे। तो वो लड़की हमसे कही तो उनका भी हम पैसा मांगे का है ही नहीं, हम नहीं दे पाए। तो उसने एक बच्चा हमको दिया, छंगा ने बच्चा दिया था कि खाओ, बच्चा देगी आगे चल के दूध खाओ गया। उसके बच्चा सहा गई, उसने बच्चा खोल ले गया अपने घर से, दूसरे का आदमी करके बेच दिया। हम अपने पैसा से पड़िया खरीदा, वो पड़िया उसने कहा कि पड़िया बेच लो, उसको पैसा इकट्ठा करके जमा कर देंगे, उसके बाद जमीन आपको गिरवा ले देंगे, गिरवा लेके फिर जमीन आपको मिल जाएगी, तो हम बात लेकर नए बच्चों को हम न बेच देंगे, हम नहीं पूरा। उसके बाद उसने घर बुला के कहा कि अगर पैसा नहीं दोगे तो हम उसे बसा नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, वकील साहब, ये जो मामला है ये क्या पूरा मामला है और अब इसके अंदर क्या नया अपडेट आया है साहब? इसमें 24/2010
मैं कन्हई कितवारी प्रमोद, माँ के नाम प्रमोद, हाँ माँ के नाम बताओ तारावती के विरुद्ध धारा 498A 364 भारतीय दंड संहिता और 3/4 दहेज से धर्म के अनुसार, और उन्होंने भी ये मुकदमा कन्हई के औरत के बारे में था कि इन्होंने उसको मार डाला है दहेज के, वो मुकदमा चार्जशीट आई, मुकदमा चला, उस मुकदमे में इनको 10 साल की सजा, चालान हुआ तो करीब 6 महीने जेल में रहे, और उसके बाद जो अपील हुई, अपील में इनकी जमानत हुई, अपील हाईकोर्ट में हुई, अपील संख्या बताते हैं नहीं, अपील हाईकोर्ट में हुई लखनऊ में, और उसमें इनकी जमानत हुई, उसमें भी जमानत छूटने तक 5 महीने सजा में रहे, 17,000 रुपये जुर्माना भी आवाज हुआ था, इसको उन्होंने जुर्माना जमा किया था।